श्रमिकों के आवागमन के लिए कोई ठोस राष्ट्रव्यापी नीति केंद्र सरकार ने प्रस्तुत नहीं करी है। यही कारण है कि आज टेलीविजन और अखबारों में हम देखते हैं रोते बिलखते बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर यात्रा तय कर रहे हैं, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, भूखे हैं, तड़प रहे हैं। उनकी मदद के लिए जिस प्रकार से सरकार को आगे आना चाहिए था, अभी तक वो आगे नहीं आए। इसको देखते हुए AICC की महासचिव, UP की प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1000 बसों को भी मदद करने का ऐलान किया। उन बसों को लेकर बहुत विवाद हुआ और यूपी की सरकार ने परमिशन देने से मना किया। निस्वार्थ भाव से मानवता को देखते हुए 1000 बसों को कांग्रेस पार्टी ने यूपी भेजने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसको बहुत देर तक परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन मिली तो कहा गया कि उसको लखनऊ भेजिएगा, आगरा भरतपुर बॉर्डर से बस लखनऊ जाएगी, उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा। फिर बाधाएं बनाने के लिए नाना प्रकार के डंडे अपनाए, कभी कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कहा कि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि काम करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के 100 बहाने। अंत में नेताओं पर FIR हुई, जेल में डाला गया, गतिरोध पैदा किया गया, कई दिनों तक बसें बॉर्डर पर खड़ी रहीं, नोएडा बॉर्डर पर, दिल्ली के पास, आगरा बॉर्डर, भरतपुर बॉर्डर पर। और अंत में आरोप लगाया गया कि बसों में सूची में कमी थी, 1000 बस कहा था, कितनी कम बस थी। और आज हम सब दस्तावेज लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, इसका स्पष्टीकरण हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास जी करेंगे, जुबेर भाई बताएंगे यूपी के बारे में। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक पहल करकर इतने संकट के समय में कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई दल, कोई भी अगर मदद का हाथ बढ़ाता है तो मदद को स्वीकार करने में कोई छोटा नहीं बन जाता। मुझे लगता है कि यूपी सरकार का जो रवैया रहा उसको दुनिया और देश ने देखा है, उसके भर्त्सना करते हैं। इस समय में सबको साथ मिलकर एकजुटता के साथ उन लाखों करोड़ों लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए था, जिसकी पहल प्रियंका जी ने करी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको नकारा गया, उस पर राजनीति करी गई, हम पर आरोप लगाए गए। और मैंने पहली बार देखा है विपक्ष आरोप लगाए सत्ताधारी पार्टी पर, तो हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पर आरोप लगा रही है। और किस बात का आरोप? लोगों की मदद करने का आरोप। लोगों की मदद करना मानवता है। राजनीति में हम सब लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, MP MLA बनने के लिए नहीं, हम सेवा भाव से जनता के काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वो बेहद दुखद था।